नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जे वीडियो वर्सन में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार सूर्यदेव ने न्याय किया और न्याय में उन्होंने दोषी ठहराया देवी संज्ञा को, और देवी संज्ञा के ऊर्जा के द्वारा जिस तरीके से उन्होंने शनि देव के पैर को अलग किया था उनके शरीर से, उसी तरीके से सूर्यदेव ने ऊर्जा का संचय करके उनके पैर को जोड़ दिया। लेकिन सूर्यदेव ने बताया कि जिस प्रकार से देवी ने एक श्राप दिया है तो उसके परिणाम स्वरूप आपकी चाल अब धीमी हो जाएगी, शनि शर। अच्छा, जिस प्रकार का क्रोध समेटे रखा था शनिदेव ने अपने अंदर कि माता ही एक उनको रोक सकती थी पूरे समग्र संसार में, अब माता है नहीं। उन्होंने उनके चिन्ह पाषाण को जो अपने पास को सदैव रखते थे उसको भी चकनाचूर करते हुए उनके अस्तित्व को समाप्त कर, या यूं कह लें कि उन्होंने कहा कि मेरा जो संसार है वो इस सृष्टि ने नष्ट कर दिया, तो मैं सृष्टि को नष्ट कर दूं। क्या होगा हम बहुत आतुर है देखने के लिए, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं एपिसोड 68 पार्ट 1। और अब मैं उस संसार को नष्ट कर दूंगा जिसने मेरी माता को मुझसे छीना। भाई ब्लैक होल खोल दिया क्या दंड ना? शनि को रोकी अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हाँ महादेव, शनि को स्थिर करना होगा। क्या प्रेजेंटेशन है यार। नहीं शनि, शांत रसो हमको। ऐसा लग रहा पूरी दुनिया के सेंटर में है, पूरी गैलेक्सी के सेंटर। हाँ, ये कहीं ना कहीं जो शनिदेव के शनि ग्रह के किनारे किनारे जो चक्र घूमता है सैटर्न रिंग। क्या इमेजिनेशन है यार। वाह यार, अद्भुत, माता की छाया उन पे। प्यार ने किया क्रोध का, शनि संयम रखो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हो सकता देव, आपने मेरा पैर लगाकर मेरा शरीर तो एक कर दिया, परंतु मेरी माता, मेरी आत्मा, मेरी चेतना और मेरे विवेक से जुड़ी थी, उनके अंत के साथ मेरे अस्तित्व के असंख्य भाग हो गए, और अब उन्हें जोड़ पाना कदाचित आपके वश में भी नहीं। और मैं केवल आपसे नहीं, संपूर्ण संसार से रुष्ट हूं, महादेव से भी। मेरी माता के जीवन का वरदान देकर
वो उसे पुनः कैसे लौटा सकते हैं? कदाचित यही नियत के पुत्र नियति नहीं दे, ये नियति नहीं अनीति, मेरे जीवन, मेरे कर्म और मेरे अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य मेरी माता थी, और अब उनके पश्चात मेरा इस संसार में अब कुछ शेष नहीं। माता तो दोनों का पूरे हमको जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था, उद्देश्य हमको दिखाई नहीं देता, उद्देश्य हमके लिए है तो इंद्रदेव का भी पूरा हो गया और मोटर संजय बिल्ली का भी पूरा हो गया। आज से ना देव से, ना असुर से, ना किसी जीव से, ना किसी मृत से, किसी से मेरा कोई संबंध नहीं होगा। शून्य में चले गए। मत जाओ, शनी रुक जाओ कुछ। यार दिल पे एकदम लग गई भाई। बहुत विलंब हो चुका है सूर्यदेव, कदाचित आप मुझे पुत्र मेरे जीवन के प्रारंभ में बुलाते। कई वर्ष पूर्व आपने मुझे श्राप दिया था और आज सूर्य पत्नी ने मुझे श्राप दिया। अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं, इसलिए मैं चाह रहा हूं मुझे ढूंढने का प्रयास भी मत करना। जैसा देवी संज्ञा ने कहा, कदाचित मेरा चन, मेरा अस्तित्व ही अभिशापित है। कोई मेरे समीप भी मत आना, अन्यथा वो नष्ट हो जाएगा। कदाचित इस बार मेरी माता की छाया भी मुझे रोक ना सके। देव, शनि आपका सृजन, वो भटक रहा है, फिर आप उसको रोकने का प्रयास क्यों नहीं करते? हे नारायण,
ये उचित समय नहीं था। शनि का अपनी माता के विषय में सत्य जानने का, शनि का सृजन हुआ था स्थिर रहकर कर्म फलदाता का दायित्व निभाने के लिए, परंतु वह अस्थिर हो गया है। अब समय ही कोई हल निकाल पाएगा, क्योंकि इस समय स्वयं मेरे पास भी इस समस्या का कोई हल नहीं। ये सब क्या है देव विश्वकर्मा? आज तक जिसे मैं उद्दंड समझ रहा था, आज समझ में आ रहा है कि वो एक शक्ति है। कौन है शनि? क्या है शनि का सत्य? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? उत्तर दीजिए देव, कौन है शनि? न्यायाधीश, प्रतीत होता है कि अब इस रहस्य को छिपाना उचित नहीं। जवान निकलवा कर पूछा, शनि है वो जिसकी सृष्टि वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है। ये वही ऊर्जा पुंज है जिसका सृजन स्वयं त्रिदेव ने किया। जब तक कोई रिश्ता हमसे जुड़ा रहता है, या कोई व्यक्ति विशेष जिसे हम प्रेम करते हैं वो हमसे जुड़ा रहता है, तो उसके अंदर क्या खासियत है, क्या खूबी है, क्या अच्छाई है, ये हम जान नहीं पाते हैं, ना ही उसको वैल्यू देते हैं। लेकिन जब वो रिश्ता हमसे दूर जाता है तो उनकी सारी खूबी, सारी खासियत, सारी अच्छाई याद आने लगती है कि हाँ ये अच्छी बातें थी इनमें, ये बुरी आदतें थी, तो कोई बात नहीं, इग्नोर किया जा सकता था। उसी प्रकार का हमने देखा सूर्यदेव का बदलाव। जब शनिदेव उनसे दूर जाने लगे तो उनको सारी अच्छाइयां उनकी दिखने लगी कि हाँ कोई बात नहीं, उद्दंड थे लेकिन कहीं ना कहीं अपनी माता से बहुत प्रेम करते थे। शनिदेव को एक ऊर्जा पुंज के रूप में देखा उन्होंने, क्योंकि जब शनिदेव ने अपनी समस्त ऊर्जा को एकत्रित करके कुछ कड़े कदम उठाने ही जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि शनिदेव कोई मामूली बालक नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का पिंड है। जिस प्रकार से मैं सूर्य की ऊर्जा धारण करता हूँ, ये भी किसी प्रकार की ऊर्जा धारण करते हैं। जिस प्रकार के उनके इर्द गिर्द मंडल दिखाई दे रहे थे, तो बहुत अद्भुत दिखाया था, क्या क्रिएटिविटी है यार, तो वो देखने में बड़ा, और इतनी पावर्स देख के कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। तो सूर्यदेव अब ये सोच रहे हैं कि आखिर ये है कौन, इतनी शक्ति इनके अंदर कहाँ से आ रही है। तो पता चलने वाला है कि ये वो जज है जो आपसे आपकी जबान निकलवा के उससे पूछा लगवा सकते हैं। खैर इस वक्त ये टिप्पणी सूझ तो नहीं रही है, लेकिन क्या करें, पावर है तो है। तो फिलहाल ये एपिसोड हम यही समाप्त करेंगे, शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।